नहीं नहीं एवरी सीजन में अलग फ्लावर्स है। वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को पार्ट वन और पार्ट टू बेहद पसंद आया होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये है आपका पार्ट थ्री जो आप इंतज़ार कर रहे थे जिस चीज़ का। और ऐसा है कि हम गोल्ड विला से अभी चेकआउट करके दोनों निकल चुके हैं, आदित्य और दिपिल अपनी गाड़ी में, हम दो में और राजी हमारी गाड़ी में। और हमारा प्लान ऐसा है कि हम जाएंगे पहले पारसी पॉइंट जो यहाँ से पास है, फिर वहाँ से हम दोनों अलग रास्ते जाएंगे, वो जाएंगे अपने घर और हम जाएंगे कास प्लेट्यू। जी हाँ, कास प्लेट्यू हम ज़रूर जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे किस तरह का फ्लावर ब्लूम होते हैं, तो चलो बने रहिए। तो हम आ गए हैं पारसी पॉइंट। पारसी पॉइंट एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे पारसी कम्युनिटी पहले काफ़ी हुआ करती थी, उस हिसाब से ये पारसी पॉइंट है। अगेन इस व्यू पॉइंट से आपको कृष्णा वैली दिखता है, डोम डैम जो आपने देखा था केट्स पॉइंट का, उसका बैक वाटर दिखता है यहाँ पे। सो पारसी पॉइंट से हमने आदित्य को अलविदा किया और हम निकल गए अलग रूट से, और हम जा रहे हैं अब, जी हाँ, कास प्लेट्यू, कास पठार भी जिनको कहा जाता है। ये सातारा डिस्ट्रिक्ट में ही है, कुछ 100 किलोमीटर्स के आसपास है ट्रैवलिंग टाइम, काफ़ी घाट्स ऊपर नीचे करके यहाँ पे पहुँचना है, तो लेट्स सी। दोस्तों ऑन द वे हमको ये मिला कास लेक पे बन रहा कुछ नया प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो एम्बियंस था, जो फील था, जो हवाएं चल रही थी, एक नंबर, जबरदस्त, फर्स्ट क्लास, मस्ट विजिट है सर। दोस्तों फाइनली आफ्टर 1-1.5 आवर का ड्राइव, न जाने आई डोंट नो कितने सारे घाट हमने चढ़े और उतरे, उसके बाद में फाइनली हम ये प्लेट्यू, कास प्लेट्यू या कास पठार जिसको कहते हैं, वहाँ पे हम पहुँच गए। बैरिकेडिंग देख सकते हैं दोनों तरफ, ये इस तरफ लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, तो लेफ्ट साइड में हम जाने वाले हैं, थोड़ा आगे जाके राइट साइड में भी है। सफारी की भी व्यवस्था है, आपको एक अलग पिकअप टाइप के वैन में सफारी भी कराते हैं। हमने चूज़ किया लेफ्ट साइड वाले में जाने का, जिसमें आप पैदल जाके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलो अंदर टिकट लेके निकलते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ कर दीजिए, किसका वेट कर रहे हैं, और भी एक्साइटिंग वीडियोज़ आएंगे दोस्तों लिविंग लाइव व्लॉग्स के साथ। चलो तो जैसे आप एंट्री करोगे वहाँ पे चीरा के जो पत्थरों से आपका जो पाथ है गेट से लेके अंदर तक का पूरा मार्क्ड है, सो दैट आप कहीं घूम ना जाए और वापस उसी पाथ से वापस आ जाए। यस, नहीं नहीं एवरी सीजन में अलग फ्लावर्स, सी समर टू मार्च टू मई में क्या है, विंटर नवंबर फरवरी क्या है, एंड ऑफ अक्टूबर कैसा है। तो फाइनली कास प्लेट्यू पे हूँ मैं, अभी थोड़े फ्लावर्स कम है एज पर दी मैनेजमेंट, बट यहाँ पे जो घास पीछे मेरे लहरा रहे हवा में, देखो वंडरफुल व्यू। दोस्तों अगर आपको क्लोज टू नेचर वाली फील चाहिए तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हेडफोन लगाइए और एक साइलेंट से जगह पे बैठ जाइए और बस फील कीजिए वहाँ की जो हवाएं है, वहाँ का एम्बियंस है, बस अपने कानों के थ्रू एक वर्चुअल फील ले लीजिए। मैं आगे का वीडियो अनएडिटेड रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। स्लोली आजा 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 आजा।
ये सब बचपन में हम लोग देखते थे। देखो कौन है वो कुदा से कच्चे तो टीवी ये एक अमेजिंग व्यू है एंड ऑफ अ प्लेटियो आई गेस। यहाँ से राजी ऑलरेडी मजे कर रही है व्यू। आगे मत जाओ फिर गिर जाएगा नीचे। तो हम कास प्लेटियो के अंदर गए थे करीब 12:15 बजे और अब बज गए हैं 2 निकलते निकलते। हम यहाँ से सीधा सातारा होते हुए यहाँ से हम सीधा जाएंगे हमारे घर मुंबई में। दोस्तों ये था हमारा कास प्लेटियो का विजिट। अगर आप में से कोई कास प्लेटियो विजिट करना चाहता है चाहे वो मुंबई से हो या पुणे से हो, कोई मेरे दर्शक होंगे या वही मेरे सब्सक्राइबर होंगे या मेरे व्यूअर होंगे, आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप बैंगलोर हाईवे से जाए और सातारा सिटी से जो मुड़ता है राइट टर्न कास प्लेटियो के लिए वही रोड से जाए, क्योंकि ये वही रोड है जो हम अभी कास प्लेटियो से सातारा सिटी जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो बेस्ट रोड है। हम आए महाबलेश्वर से होते हुए पंचगनी से होते हुए कास प्लेटियो, जहाँ का रोड काफ़ी ख़राब है और काफ़ी घाट्स मिलेंगे। इस रोड में आपको घाट मिलेंगे बट एक ही घाट मिलेगा और वो यहाँ के रोड भी अच्छे हैं और वहाँ के यूपिन वाले जो रोड्स हैं वो काफ़ी कम है, जिससे आपको थकावट कम होगी। अब घाट उतर के आते आते बज गए हैं 2:45। हमने आसपास एक रेस्टोरेंट ढूंढ के रखा गूगल मैप में, वो था साहिबानसा वाड़ा। इसका रिव्यूज़ काफ़ी अच्छा था। ये है देखो, ये है आपका साहिबानसा वाड़ा। ये सातारा सिटी जंक्शन से थोड़ा आगे वाई की तरफ है एंड देखते हैं अंदर क्या मिलता है, कैसे मिलता है और क्या यहाँ से खाना अच्छा है बुरा है, सब रिव्यू आपको देंगे। बने रहिए साहिबानसा वाड़ा। सो दे हैव 2 ऑप्शन, उनका 2 ऑप्शन है, एक प्योर वेज साहिबानसा वाड़ा और दिस साइड इट इज प्योर नॉन वेज। सो यू नो दोज हु वांट प्योर रेस्टोरेंट्स यू कैन एंजॉय द बीच में कुछ लैंडस्केपिंग टाइप का किया है यहाँ पे, विच इज़ लुकिंग वेरी गुड एंड आई थिंक ये फाउंटेन शाम को चालू होता होगा। चलो खाना कैसे देख लेते हैं। Look at the vibe of this restaurant, Saibansa Wada. Amazing concepts, amazing ambience. You have 2 types of seating. One is table and chair, the normal one, and the other one is on the floor. Idhar hi hand wash karega. Come. Here. दोस्तों भूख इतनी लगी थी कि मेन्यू देख के तड़पड़ा गया मैं, और मेन्यू में आप ऑप्शंस देखोगे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। नॉनवेज में आपको स्टार्टर्स से लेके मेन कोर्स से लेके फिश से लेके प्रॉन से लेके चिकन से लेके मटन से लेके क्रैब से लेके टाइप्स ऑफ रोटीज को लेके नाचनी बाजरा से लेके एक से एक आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। बट सबसे बेस्ट यहाँ पे जो है वो है थाली सिस्टम में। यहाँ पे चिकन मटन प्रॉन्स फिश मिक्स फिश थाली काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो हमने लिया यहाँ पे स्पेशल मटन और स्पेशल चिकन थाली। तो देखते हैं इसका स्वाद कैसा है और आपको बताते। तो दोस्तों आ गया है हमारा ऑर्डर, ये रहा मटन थाली जिसमें बाजरे की रोटी मैंने ऑप्शन मिली, ये चिकन सॉरी ये मटन आपका कीमा है, ये तांबड़ा रस्सा कहते हैं और इस साइड में जो वाइट है उसको पांडरा रस्सा कहते हैं, फिर साइड में येल्लोइश है आपका सूप है, बाजू में पिंक में आपका सोल कड़ी है, आपका एक बॉयल्ड एग है, सैलड है एंड सेंटर में मटन के ड्राई पीसेस है, एंड ये आपका चिकन का थाली जो मेरे वाइफ ने लिया था, इसमें भी तांबड़ा रस्सा पांडरा रस्सा है, सोल कड़ी है, चिकन के ड्राई पीसेस है, बॉइल्ड एग है, सैलड है एंड रोटी के ऑप्शन में इन्होंने नान लिया था। तो लेट्स हैव दिस वंडरफुल लंच।
सो यहाँ का लंच करते करते हम 3:30-4 हो गए और वहाँ से हम निकले नॉन स्टॉप ऑन द वे। हम अभी ऑलमोस्ट एक्सप्रेस हाईवे पे हैं, हम करीब करीब 7:30 तक घर पहुँच जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है Day 3 हमारा मुंबई महाबलेश्वर ट्रिप, जो सबसे बेस्ट ट्रिप रहा कुछ सालों में अभी तक। दोस्तों तो आशा करता हूँ आप लोगों ने मेरे महाबलेश्वर के 3 पार्ट देख लिए हैं। अगर इन केस आपने नहीं देखे तो बाकी 2 पार्ट्स के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, ज़रूर क्लिक करके देखिए, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा। इन केस आपको कोई कमेंट्स हो या फीडबैक हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो अभी तक तो प्लीज़ वो रेड बटन दबा के सब्सक्राइबर बन जाइए, और अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। सो दोस्तों वक्त आ गया अलविदा कहने का, तो दिस इज विपिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम लिविंग लाइफ व्लॉग्स। आप लोग सुखी रहिए, अच्छे रहिए, खा पी के मस्त रहिए, और दिस इज विपिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम लिविंग लाइफ व्लॉग्स। टाटा, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।